नमस्कार, जबलपुर से मैं हूं विकास सोनी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। तो जिस तरीके की अटकलें सुबह से लगी हुई थी और जबलपुर के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें उठ के सामने आ रही थी, वो सारी बातों पर अब विराम लग चुका है। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जबलपुर जैसे ही पहुंचे उसके बाद से ही संघ कार्यालय केशवकुटी के आसपास पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था लगा दी गई। सुरक्षा का घेरा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अफवाहें उठने लगी। कोई कह रहा था कि कहीं भाजपा के पदाधिकारियों को कोई नई रणनीति देने के लिए आरएसएस प्रमुख जबलपुर पहुंचे हैं, तो कोई कह रहा था कि मतदान के तत्काल बाद हो सकता है कि प्रत्याशियों को कोई नया मंत्र देने के लिए आरएसएस प्रमुख जबलपुर पहुंचे हैं। अंततः सारी अटकलों पर विराम लगाती हुई जो जानकारी सामने आई है वह यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रांत प्रमुख उत्तम बनर्जी जी के घर के एक पारिवारिक विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में केशवकुटी पहुंचकर कुछ पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात की और उसके बाद अपने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत जी विवाह उत्सव में शामिल होने के बाद सामान्य तौर पर या तो कटनी या दिल्ली की ओर रवाना होंगे, लेकिन जब तक मोहन भागवत जी जबलपुर में हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर आम रहेगा। बहरहाल यह बात साफ हो चुकी है कि कार्यक्रम पूर्णतः निजी है और विवाह उत्सव में शामिल होने के बाद मोहन भागवत जी अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे हो सकता है मोहन भागवत जी के साथ मुलाकात करें और आगामी रणनीति के लिए नया मंत्र लें। जबलपुर से विकास सोनी की रिपोर्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।